नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ही एक ऐसे बेटे से जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है और अपनी प्रतिभा से ये साबित किया है कि अगर छोटी जगह से भी कोई युवक अपने दिल में इच्छा और हौसला रखता है तो वो कहीं भी सफल हो सकता है। जी हाँ, वो नाम है संजय बत्रा का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया संजय जी, आपसे बात करके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब रायपुर के किसी बेटे से हमारी मुलाकात होती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अपने नाम पहचान बनाते हैं लेकिन अगर कोई यहाँ से जाकर वहाँ मुकाम बनाता है तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। इस सफ़र के लिए जो तैयारी होती है वो ज़हनी तौर पर कब से आपने की और कैसे की? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इस लायक, इस काबिल समझती हैं जो आपने बोला। अब तैयारी कैसे की, तो हकीकत यह है कि मैं कुछ प्लान करके मुंबई नहीं गया था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे हीरो बनना है। मैं अपने शहर में नाटक किया करता था और नाटक के दौरान देखता था कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए कहीं और जाते हैं और मन की तृष्णा शांत करने के लिए शाम को रिहर्सल में आते हैं, तो उनकी दुगनी जद्दोजहद मेरे को चुभती थी। तो मेरे दिमाग में उन्हीं दिनों सवाल उठता था कि क्या ये नहीं हो सकता कि आदमी वही एक काम करे जिससे मन की तृष्णा भी शांत हो और तन की तृष्णा भी शांत हो, मतलब पेट की भूख भी शांत हो। वो जो मेरे दिमाग में जहन था, तो मैंने तय किया कि मैं इसी को अपना पेशा बनाऊंगा। तो उसको पेशा बनाने के लिए चूंकि यहाँ संभावनाएं बहुत कम थी, मैंने अपना शहर छोड़ा, यहाँ वहाँ भटकते भटकते फाइनली वहाँ पहुँचा। और वहाँ पे भी मुझे ये शौक़ नहीं था कि मुझे हीरो बनना, ही है कि इस पेशे से अपनी रोजी रोटी चलानी है और आप लोगों की दुआओं से उस मुकाम तक मैं पहुँच गया। बिल्कुल, एक अच्छा मुकाम आपने बना लिया है संजय जी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पर संभावनाएं कम है, निश्चित रूप से छोटा प्रदेश था, संभावनाएं कम थी, खासकर उस वक्त। और यहाँ के युवाओं के जो सपने थे वो तो तब भी ज़्यादा थे और आज भी ज़्यादा हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ का कोई युवा मुंबई जैसे मायानगरी में पहुँचता है अपने सपनों के साथ, आपको लगता है कि सही अप्रोच होना कितना ज़रूरी है और उसके लिए आपको किस तरीके से फेस करना पड़ा? और आज कोई युवा अगर जाए आपको अपना आइडियल मान के, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब किसी भी पेशे में जाते हैं तो उसकी बुनियादी जानकारी हासिलात बहुत ज़रूरी होती है। और जानकारी आज दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको किस्म किस्म की मिलती है और किस्म किस्म के लोग देते हैं, लेकिन आपको यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि वाकई में जो फैक्ट है या सच है या किस जानकारी में कितनी गहराई है, उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मार्गदर्शन करने वाले अगर सही लोग मिलेंगे तो आपकी जानकारी सही होगी। और जब जानकारी आपकी सही होगी तो आपका स्ट्रगल कम होगा, आप अंधेरे में हाथ पैर नहीं मारेंगे, सही जगह पर अप्रोच कर पाएंगे। ये बात की बात है कि किसको कितना मौका मिलता है और कौन कितना भुना के कहां से कहां पहुंच जाता है, ये बात की बात है। पर इनिशियल लेवल पे कम से कम आप ये है कि अंधेरे कुएं में नहीं भटकते हैं, सही दिशा में जाते हैं। और आजकल बड़ी अच्छी चीज़ें हो गई हैं कि चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं तो आप जो अपने जान पहचान के लोग हैं उन्हीं को लगभग कास्ट कर लेंगी जी। पर अब क्या होता है कि अब आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रही हैं तो आप एक कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करती हैं और उसको बोलती हैं कि भाई ये किरदार है उसके लिए मुझे आप अवेलेबल कराओ। तो वो क्या करेगा कि उन किरदारों के हिसाब से कई लोगों के ऑडिशन टेस्ट लेगा और आपको फॉरवर्ड कर देगा। आपको लगेगा कि ये जो है क्लिपिंग, ये सही है मेरे किरदार के लिए। अब आप उसको जानते भी नहीं हैं, वो कौन है क्या है कुछ भी नहीं, पर आपने किरदार के लिए सही आदमी को तलाश किया, इससे उसका भी भला हुआ, आपको भी सही है। और पारदर्शिता भी आ गई। तो जानकारी हो, सही दिशा में जाए, तो पारदर्शिता के चलते लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी आसान भी हुई। बिल्कुल। एक और अहम चीज, थिएटर आपने किया, थिएटर का जिक्र आपने किया, आपको लगता है कि थिएटर क्या वो भूमिका निभाता है कि आपको जब कला के क्षेत्र में जाना हो, एक्ट अभिनय के क्षेत्र में जाना हो, तो आपको ट्रेंड वो कर देता है, बेसिक जो जानकारी है उसके लिए तैयार कर देता है? कितनी भूमिका होती है थिएटर की? देखिए, इस संदर्भ में मैं बहुत आसान शब्दों में इस बात को समझा देता हूँ कि संगीत जैसी चीज़, लोक संगीत भी होता है, शास्त्रीय संगीत भी होता है, विदेशों में रैप जैप पॉप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सूफी भी होता है और पहाड़ी संगीत होता है, बहुत सारे संगीत होते हैं। लेकिन आप गौर करो, चिंतन करो, तो सारे संगीत का आधार तो सात स्वर ही है। उसको साधना ज़रूरी है, सात स्वर ही है। आप फिर किसी भी दिशा में चले जाइए, आप
सासुरी होते हैं, ठीक वैसे ही अगर थिएटर को लेकर के आपको रसों का, अभिनय का, भावों का, किरदारों का बुनियादी प्रशिक्षण है तो आगे चल के आप विधा और टेक्निक कहीं भी सीख सकते हैं, पर जड़ में आपके वो रस रहेंगे, वो बात रहेंगी। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो पहले 3 साल तो सबको कॉमन ही पढ़ना पड़ता है, फिर स्पेशल चीज के लिए जाता है। तो ठीक वैसे अगर आप थिएटर कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप टेलीविजन की विधा की तरफ ध्यान देते हैं, स्टडी करते हैं, टेक्निक को सीखते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इम्प्रोवाइज हो सकता है वो, लेकिन बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं, बेसिक चीजें मिल जाती है। तकनीक भले आपकी बाद में इम्प्रूव की जा सकती है, लेकिन विधा की जड़ तो यही होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं खुद इससे गुजरा हूँ। बहुत सारे सीरियल आपने किए हैं, फिल्मों में भी अभिनय आपने किया है संजय जी, अभी जो करंटली जो चल रहा है ये उन दिनों की बात है, उसमें आपका किरदार हम देख रहे हैं काफी गंभीर, धीर गंभीर, और मुझे लगता है आपकी उम्र से भी हम ज्यादा भी आपको देख रहे हैं। ऐसे मौके जब मिलते हैं कि आपको अपनी उम्र से भी बड़ा या अपने व्यक्तित्व से विपरीत कोई अभिनय के लिए रोल मिलता है तो इसके लिए किस तरीके की मुश्किलात होते हैं या एक कलाकार जो है उस पर रच बस जाता है? दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोफेशनल लाइफ में करियर को लेके मुश्किलात और विसंगति होती है और एक व्यक्तिगत जीवन में भी विसंगति हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ना ज्योति एक सीरियल आता था, उसमें मैं एक ऐसा हैंडीकैप्टेड बाप था जिसका शरीर काम नहीं करता है, उसका दिमाग काम करता है और उसका शरीर उसकी बेटी होती है। वो इतना अप्रिशिएट किया गया और उस रूप में मुझे स्वीकारा गया कि लोगों को लगने लगा कि मैं उस उम्र का कोई 60 साल का आदमी हूँ। उसके बाद परंपरा सी बन गई, इस प्यार को क्या नाम दूँ बेबी, मुझे वैसा ही कुछ रोल दे दिया गया। फिर अभी जो शो चल रहा है उसमें भी रोल दे दिया गया। उसके बाद जब बाहर में मुझे लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं हमको तो लगता था कि आप बहुत एजेड हो गए, लेकिन आप तो ऐसे ही हो। और इसका व्यक्तिगत असर जनरल लाइफ में भी पड़ गया कि लोग समझने लगे कि मेरी इतनी उम्र है, पर हाँ ये है कि मैं अपनी उम्र से ज़्यादा के किरदार कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा तो नहीं लगता लेकिन ठीक है, जीने में मजा आता है, मानसिक रूप से तैयार हो जाता हूँ तो उस उम्र का मैं लड़ने भी लग जाता हूँ। शायद वो ठहराव यहाँ आपके कुछ किरदारों में देखा है, उनको चुरा करके मैं अप्रिशिएट। अच्छा संजय जी, यहाँ एक चीज और देखी जाती है कि जब कोई अभिनय की दुनिया में जाता है तो उसे लगता है कि टाइट ना हो जाए इसलिए कुछ समय तक कुछ ऐसे रोल नहीं करते, जैसे धार्मिक रोलों को नहीं पसंद किया जाता है, नेगेटिव रोल को आप पसंद नहीं करते हैं, क्या चरित्र भूमिका भी उतनी प्रभावी होती है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि चरित्र जो भूमिका रही है वो काफी सशक्त रही है, कई बार तो ऐसा होता है कि हीरो और हीरोइन के रोल से ज्यादा प्रभावी वो किरदार रहता है, तो क्या इसमें भी विकल्प नहीं है युवाओं के पास में आज? विकल्प है, देखिए मैं सच बात बताऊं कि कोई आदमी किसी किरदार में अगर हिट हो जाता है ना तो वैसे ही भूमिका देखिए आगे फिर मिलती चली जाती है, ऐसा होता है। जो काम करवाने वाले होते हैं वो भी रेडीमेड ढूंढ रहे होते हैं, और अगर कलाकार में पोटेंशियल नहीं है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो उस ब्लॉक में कैद हो जाता है। लेकिन आज जो चीज़ें बदल गई हैं, पहले जैसा नहीं है, आज आप जो नहीं है वो भी आपसे करवाने की परंपरा चल पड़ी है। पहले क्या था कि मैं जैसा हूँ वैसे ही रोल मेरे को दे दिए जाते थे, लेकिन आज डायरेक्टर एक्सपेरिमेंट करता है कि नहीं इससे कुछ मुझे और कराना है। तो अगर आप में पोटेंशियल है तो आप आज सारे ब्लॉक तोड़ करके अपना आउटपुट दे सकते हो, देते हैं, जिस कॉन्फिडेंस को लेके मैं चल रहा होता हूँ कि मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इतना हार्ड फेस लेकर के एक बेचारा अपाहिज भी बन सकता हूँ, तो विलन तो मैं दिखता ही हूँ, तो ये मैं हिम्मत करता हूँ। बिल्कुल, विलन बनने के बाद में कई बार हीरो तक जो सफर वापसी का होता है वो कई बार मुश्किल हो जाता है, ये बात और थी कि शाहरुख खान हीरो के रूप में वापस आ पाए। लाखों युवक अलग अलग जगहों से मुंबई पहुंचते हैं अपने सपनों को लेकर, क्या लगता है आपको कि मुंबई ऐसे लोगों को कितनी जगह दे पाती है या सपने पूरे कर पाती है या उनको लौटना पड़ता है, क्या ऐसी वजह देखते हैं आप? उनकी काबिलियत और उनका आत्मविश्वास उन्हें उस दिशा में ले जाता है जहाँ उनके लिए कोई ना कोई जगह होती है। सबके लिए सारी ज़मीन सारी आसमान नहीं होता, सब शाहरुख खान सलमान खान नहीं बनते हैं, लेकिन जिनके पास जितनी काबिलियत है वो ज़रूर बन जाते हैं, तो ये बात भी कम नहीं है। बहुत सारे किरदार आपने किए लेकिन हर कलाकार का अपना एक पसंदीदा किरदार होता है, आपको लगता है कि अपने तक आज तक के जो सफर में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण किरदार आपने चाहे सीरियल में चाहे फिल्मों में आपने अभिनय किया वो आपके दिल के बहुत करीब रहा, उसको लेकर अनुभव आपके कैसे है उसका जिक्र जरूर करिए। देखिए वैसे तो बाप को अपनी हर औलाद प्यारी होती है, लेकिन मैं सच बात बताऊं, बेबाक बात बताऊं, तो मुझे लगता है कि मेरे सपनों का किरदार है या जो मेरे दिल के बहुत करीब होगा, शायद अभी मुझे करना बाकी। सच कह रहा हूं मैं। फिर भी किसी में संतुष्ट होते हैं कि हाँ वो भूमिका मुझे मिल गई। जैसे हम चूंकि यहाँ रायपुर में बैठे हुए हैं तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात करें तो
लोग कहते हैं कि परदेसी के माया का सुकृत का नो डाउट वो भी अल्टीमेट है, पर मुझे माया दे दे मायारू का उजार सिंह ज़्यादा मेच्योर और अच्छा लगा। और इस बार जो टूरा चाय वाला में एक अलग एक्सपेरिमेंट किया है वो उसकी मात्रा कम है लेकिन वो अंडरलाइन है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, और वो मुझे भाया कि नहीं हमने जो कोशिश की वो मूर्त रूप सामने आया। तो इस दृष्टिकोण से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो भाई जी किरदार है ये मुझे पहले के किरदार तो है ही अपनी जगह, ये भी इन दिनों बहुत प्रभावित कर रहा है, बाकी अब दर्शक तय करेंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सिनेमा को हम देख रहे हैं कि अभी अपने युवावस्था की तरफ वो बढ़ रहा है संजय जी, ऐसे में छत्तीसगढ़ सिनेमा के लिए आपको लगता है कि यहाँ से जो लोग स्थापित हो चुके हैं उन कलाकारों की भी जिम्मेदारी है इस व्यवसाय ही कहूँ क्योंकि इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक एस्टेब्लिश कलाकार का पहुँचना कितना ज़रूरी है, और कैसा लगता है जब अपनी ही बोली भाषा में आप फिल्मों में काम करते हैं, यहाँ के माहौल में रहते हैं, दोनों ही बातें हैं इस पर? बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं, ये मेरी पाठशाला है, यहाँ से मैंने क ख ग घ सीखा है, तो अब इसका ऋण चुकाना तो बेमानी है ना, चुका ही नहीं सकता मैं, पर कर्ज तो किसी न किसी रूप में चुका सकता हूँ, तो ये किश्तों के रूप में थोड़ा थोड़ा चुका रहा हूँ। और जब मैं यहाँ काम करने आता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि मैंने सबसे पहले नाटक यहाँ पे किया, नुक्कड़ नाटक यहाँ पे किए, 35 रुपये एक परफॉर्मेंस के हमें मिला करते थे, वो काम भी मैंने यहाँ किया, 60 रुपये आकाशवाणी में एक प्रोग्राम के मिला करते थे वो भी मैंने यहाँ किया, तो वापस यहीं पर आके काम करने का जो सुखद अनुभव है शायद वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, एक रूहानी सुकून कह सकता हूँ मैं। ठीक है, चीज़ें कंपेरिजन में मुंबई के और यहाँ पर फ़र्क दिखता है, पर मैं मानसिक रूप से तैयार होकर आता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, मैं मानसिक रूप से तैयार होकर आता। अच्छा, ये जो टूरा चाय वाला है, ये जो फिल्म है, ये इस तरीके के जो नाम है वो बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलते, ये बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ी ही नाम रखा जाता है टूरा चाय वाला। ऐसे में आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको और क्या करने की जरूरत है, कुछ ऐसे समझाइश या कुछ ऐसी जरूरत जो आप यहाँ आने के बाद में महसूस करते हैं जो आपको देनी भी चाहिए समय समय पर? मेरे ख्याल से एक चीज मैं आपको बहुत साफ सुथरी बताता हूँ कि बहुत सारी विधाएं व्यक्तिगत होती है लेकिन कुछ विधाएं सामूहिक होती हैं। व्यक्तिगत विधा में समूह ना भी रहे तो आदमी अपना क्रिएशन कर जाता है, लेखक और नहीं तो पुराने से कागज भी ढूंढ करके कहानी लिख देगा, पेंटर और कुछ नहीं हुआ तो दातुन से भी एक दीवार पे पेंटिंग बना देगा, लेकिन सिनेमा जो है वो समूह की विधा है, इसमें क्रिएशन के साथ पावर का बहुत बड़ा गेम है, तो संगठित होकर के दोनों को एक होकर के काम करना पड़ेगा। बहुत कठोर शब्दों में कहूँ तो ये हम स्थानीय लोगों की ना एक खासियत है, अक्खड़पन, मैं भी उसका शिकार हूँ, उस अक्खड़पन को, आहापन जिसको बोलूँगा मैं, अड़े थोड़ा सटक गई तो सटक गई, वो अढ़ेपन को छोड़ करके सिनेमा की जो सामूहिक विधा है उसमें समूह के रूप में चले, पर्सनलाइज चीज़ों को हटा करके प्रोफेशनलिज्म की दिशा में चलें तो बहुत सारी संभावना है, और थोड़ा सा गाइडलाइन अभी हमको जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में थिएटर भी आपने किया, टीवी सीरियल में भी आपने काम किया, नेगेटिव रोल भी किए, चरित्र भूमिका भी अभी आप निभा रहे हैं, बड़े पर्दे पर भी आपने काम किया, इन तीनों ही विधाओं में काम करने के दौरान एक कलाकार के तौर पर क्या पाते हैं आप, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती हैं या तीनों में एक जैसी रहती हैं अभिनय के लिहाज से? तकनीकी तौर पर विधाएँ बदल जाती हैं, पहले सिनेमा था, नाटक के बाद सिनेमा था, बड़ा पर्दा बड़ा पर्दा बड़ा पर्दा, उसके बाद फिर एक छोटा पर्दा आ गया, ठीक, अब उसके आगे की स्टेज में पहुंच गए हैं कि वो छोटा पर्दा बीच का पर्दा हो गया है, हथेली का पर्दा भी हमारे हाथ में आ गया, अब तीन पर्दे हो गए। तो ये विधा तो एक ही है लेकिन उसकी तकनीकों का स्वरूप बदल गया है, तो उन स्वरूपों के साथ कुछ चीज़ों में हमारा हास भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, कुछ चीज़ों का फायदा भी हो रहा है, लेकिन अनुभव है, जर्नी है, और चूंकि हम इसके हिस्से हैं तो उसको जीते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत अहम बातें आपने की, कोई मैसेज देना चाहें इस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को, क्योंकि आज हम आपका इंटरव्यू आईबीसी के लिए कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसे कहने चाहें जो युवा आपने सपनों के साथ मुंबई जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन की भूमिका निभाए? बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं हैं, जो भी लोग इस दिशा में जाना चाहते हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, प्लस आजकल अच्छी बात यह है कि समाज में, परिवार में, बिरादरी में इस पेशे को सम्मान की नज़र से देखा जाता है, जिनमें काबिलियत है बिल्कुल अपनी मेहनत करें, सही मार्गदर्शन लें, आगे आएं। लेकिन एक चीज़ अब शहर के संदर्भ में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले हमारा शहर जो था संस्कृति के माहौल में डूबा रहता था,
नाटक हो, साहित्य हो, संगीत हो, बहुत सारी चीज़ें, लेखन हो, पेंटिंग हो, एक दौर था 80-90 का दशक था, बट उसके बाद इन दिनों ना कला उपेक्षित सी हो गई है। जी। जाते जाते मैं आप सबको आईबीसी 24 चैनल्स आप सबको बधाई देना चाहूँगा। मुझे बड़ा फख्र है, बड़ी खुशी है कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि मेरे शहर में इतना बड़ा सेटअप इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म तरीके से काम करता होगा, और आप तमाम लोग इतनी शिद्दत और ईमानदारी से इस स्तर का काम कर रहे हैं, ये शायद मैंने सोचा नहीं था, पर आज अपनी आँख से आज देख कर जा रहा हूँ। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत कीमती वक्त आपने दिया संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे संजय बत्रा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर से अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर मायानगरी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने संघर्ष से अपनी काबिलियत के दम पर एक मुकाम बनाया और छत्तीसगढ़ को भी इसी के साथ साथ उन्होंने पहचान दिलाई। आज उनसे बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई और इसी के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।